ओके, गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश, दिस इज लेक्चर नंबर 27 एंड टुडे इज जून 23rd. टुडे वी आर गोइंग टू डू लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ लेसन नंबर 4. सो एवरीवन टर्न टू पेज नंबर 57 एंड जस्ट फॉलो द वीडियो अटेंटिवली. ओके, एक्सरसाइज ए. People live in places of different sizes, shapes and names. Write the number in circles corresponding to the names given in the list. Okay, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि हम इंसान अलग अलग तरह के घर में रहते हैं. इस एक्सरसाइज में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के नाम दिए गए हैं और राइट साइड में अलग अलग तरह के घर के पिक्चर्स भी दिए हैं. आपको उन हाउसेस के सही नंबर्स को दिए गए सही पिक्चर्स के नीचे खाली सर्कल में लिखने हैं. ठीक है, ओके. फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पर जो पहला पिक्चर है वो है नंबर 3, कॉटेज. ओके, सो बी पिक्चर में दिए गए सही नंबर है नंबर 8, विच इज केव. पिक्चर सी इज नंबर 4, अपार्टमेंट. पिक्चर डी के नीचे आपको लिखना है नंबर 2, विच इज टेंट. पिक्चर ई के नीचे आपको लिखना है नंबर 7. पिक्चर एफ के नीचे आपको लिखना है नंबर 1. पिक्चर जी के नीचे लिखना है आपको नंबर 5. और पिक्चर एच के नीचे आपको लिखना है नंबर 6. नंबर ए है कॉटेज, बी है केव, सी है अपार्टमेंट, डी है टेंट, ई है इग्लू, एफ है लॉज, जी है पैलेस और एच है हट. ठीक है, ओके. लॉज किसे कहते हैं? एक बड़े से घर विथ मैनी रूम्स जहाँ पे टूरिस्ट आके थोड़े दिन के लिए रहते हैं, ऐसी जगह को हम लॉज कहते हैं. ठीक है, ओके. टेंट इज़ अ टेम्पररी हाउस मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ. और हम टेंट को आसानी से निकाल के ले भी जा सकते हैं. टेंट में वो लोग रहते हैं जो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते. ठीक है, ओके. कॉटेज इज अ स्मॉल हाउस विथ फ्यू रूम्स. अपार्टमेंट इज अ बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स. और ऐसे जगहों में बहुत सारे परिवार रहते हैं. पैलेस को हम हिंदी में महल कहते हैं, जहाँ पे राजा रानी और बहुत अमीर लोग रहते हैं. हट को हम कहते हैं हिंदी में झोपड़ी. इट इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड बैम्बू. नंबर 7 है इग्लू. इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन द पोलर रीजन्स. ठीक है, केव को हम हिंदी में गुफा कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अर्ली मैन यूज टू लिव इन केव्स. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज बी पार्ट. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी. ओके, कॉलम ए में दिए गए वर्ड्स को कॉलम बी में दिए गए उसके सही मीनिंग्स के साथ आपको मैच करने हैं. नंबर 1, बसल. Bustle means to work or behave in a hurried and energetic way. मतलब है कि active और ज़्यादा जल्दी होके काम करना या कुछ करना को हम कहते हैं bustle. ठीक है. Number 2, destroy. Destroy means to damage something completely. यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से तबाह करना. इंग्लिश में इसको हम destroy कहते हैं. ठीक है. नंबर 3, टेरिफाइड. टेरिफाइड मीन्स
worried or fearful, चिंतित या डरा हुआ. नंबर फोर, स्क्रीम. स्क्रीम मीन्स अ लाउड क्राई और टू क्राई शाउट लाउडली, मतलब चीखना या जोर से चिल्लाना. ठीक है, ओके. उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज सी पार्ट. द वर्ड फ्रेशली बेक्ड हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेशली एंड बेक्ड. Frame similar words by adding a new word to the words provided. Look at the example before you proceed. Okay, जैसे कि example में दिए गए word freshly baked एक ऐसा word है जो दो अलग अलग words freshly और baked को join करके बने हैं. So इसी तरह से नीचे दिए गए words को आपको join करके आपको new word बनाने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिए हैं. ओके, नंबर वन इज न्यूली और कट. आपको लिखना है न्यूली और साइड बीच में लगाना है हाइफन, न्यूली कट. ठीक है, ये बीच में जो न्यूली और कट के बीच में जो छोटा सा डैश लगा है उसको हम कहते हैं हाइफन. ठीक है, नंबर टू, नंबर टू इज हैवली डैमेज्ड, DAMAGED डैमेज्ड. नंबर थ्री, नाइसली ड्रॉन, यहाँ पर आएगा DRAWN ड्रॉन. नंबर फोर, फाइन ट्यून्ड, यहाँ पर लास्ट वर्ड में TUNED ट्यून्ड आएगा. ठीक है, नंबर फाइव, हाईली प्राइस्ड, PRICED प्राइस्ड. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस यहीं तक. फॉर होमवर्क, डू एक्सरसाइज बी एंड सी पार्ट of learn new words on your fair copy. Until then, goodbye to you all. Take care and stay safe at home.